हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको शोल्डर कैसे ज्वाइन करते हैं वो बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, जैसे आपकी ब्लाउज़ हो या फिर कुर्ती हो इस तरीके से, तो आपको ऐसे रख लेना। जो बैक फ्रंट पार्ट रहेगा वो आपको नीचे रखना है, और बैक वाले पार्ट को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और जो पेस्टिंग वाला साइड है, देखिए इस तरीके से जो है वो पेस्टिंग को अपने इसके ऊपर से लेकर जाना है। जो फ्रंट वाला शोल्डर है उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और दोनों को मिला के रखना है। और इसके ऊपर हम यहाँ पे इसे पिनअप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पिनअप किया, और इसके ऊपर हम नॉर्मल सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको दूसरा वाला भी बता देती हूँ। फ्रंट वाले नेक के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे, शोल्डर को मिला के रखना है। और बैक वाले जो नेक वाला साइड था उसको हम इस तरीके से ऊपर रख के कवर करना है, और यहाँ से भी इसे हम पिनअप कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। अगर आप लाइनिंग से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस तरीके से अलग अलग ज्वाइन करते हैं तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे। तो सीधा होने के बाद आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन होने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो उसे आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।